दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं तो आपने समुद्र मंथन के बारे में जरूर सुना होगा। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार देवराज इंद्र अपने स्वर्ग लोक के भोग विलास में इतना मग्न हो गए थे कि वे संसार के प्रति अपने सारे जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। लेकिन सभी ऋषियों को देवराज इंद्र के बारे में जब पता चला, तब उन्होंने देवराज इंद्र को समझाने का फैसला किया। सभी ऋषियों में सबसे पहले दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र के पास गए और उनको पता था कि देवराज इंद्र अपने भोग विलास और अभिमान में चूर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वे इंद्रदेव को जरूर समझाएंगे, जिससे उन्हें संसार के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र के पास पहुँचे तो देवराज इंद्र ने उन्हें सिंहासन पर बैठे ही नमस्कार किया। देवराज इंद्र के इस बर्ताव से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने देवराज इंद्र को आशीर्वाद दिया और तोहफे में एक फूलों की माला दी। देवराज इंद्र माला लेते ही कहा, आप ये सुगंधित फूलों की माला क्यों लाए हैं, जबकि हमारे स्वर्ग लोक में सौंदर्यता और सुगंध की कोई कमी नहीं है। ये कहते ही देवराज ने वो फूलों की माला अपने ऐरावत के गले में डाल दी, लेकिन ऐरावत ने फूलों की माला अपने गले से निकाल के कुचल दिया। ये सब देख कर दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को श्राप दिया। जिस धन, वैभव और लक्ष्मी पर उन्हें इतना घमंड है, वो सभी उनके पास से छिन जाएंगे और सभी देवी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप देते ही जब सभी देवी देवता कंगाल हो गए, तो वे सभी इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने बताया, सीर सागर के गहराई में अपार धन और वैभव होने के साथ अमृत भी रखा हुआ है, और जो भी उस अमृत को पी लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लेकिन ये सब पाने के लिए सभी देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के बात सुनते ही सभी देवता असुरराज बाली के पास पहुँचे और सभी असुरों को समुद्र मंथन के लिए राजी किया। उसके बाद सभी देवता और असुर मंदरा पर्वत को उठाकर समुद्र में लेकर गए और पर्वत के चारों ओर नागराज वासुकी को रस्सी की तरह लपेट दी और शुरू हुई समुद्र मंथन। और जब मंथन पूरा हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जो देवताओं और असुरों ने बांट लिया था, और इन रत्नों में कई स्त्रियां भी शामिल थी। अगर आपको भी जानना है उन सभी स्त्रियों के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। समुद्र मंथन में सबसे पहले प्रकट होने वाली स्त्री का नाम रंभा था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे। कहा जाता है कि रंभा नृत्य में माहिर थे और इसीलिए उसे देवराज इंद्र के पास स्वर्ग लोक में भेज दिया गया। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान दूसरी स्त्री धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति से चारों तरफ खुशियां फैल गई थी और भगवान विश्वकर्मा ने उनकी पूजा अर्चना के लिए उन्हें कमल का फूल और पीला वस्त्र तोहफे में दिया था। कहा जाता है कि उस वस्त्र में श्रृंगार करने के बाद देवी लक्ष्मी बहुत ही सुंदर लग रही थी, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें अपने लायक कोई भी वर नहीं दिखा। लेकिन जब भगवान विष्णु के ऊपर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कमल फूलों की माला लेकर भगवान विष्णु के गले में डाल दी, और इसी तरह देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रहने लगी। दोस्तों, तीसरी स्त्री था बारूनी। जब ये प्रकट हुई थी तब इनके चेहरे पर एक मनमोहक सुंदरता के साथ हाथ में मदिरा थी। बारूनी देवी की उत्पत्ति जल से हुई थी, इसीलिए उनका नाम बारूनी दिया गया था, और सभी देवताओं ने आपस में फैसला करके इन्हें देवताओं को सौंप दिया था। चौथे स्त्री का नाम था तारा। तारा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उन्हें देखते ही किष्किंधा के राजा बाली और सुसेन दोनों ही मोहित हो गए थे, लेकिन अंत में बाली ने तारा के साथ विवाह किया था। पांचवी स्त्री का नाम था रूमी। कहा जाता है कि रूमी भी बहुत सुंदर थी और उनका विवाह सूर्य पुत्र सुग्रीव के साथ हुआ था। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक हमें बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान केवल 5 स्त्रियां प्रकट हुई थी, लेकिन कुछ पुराणों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इन 5 स्त्रियों के अलावा और भी 2 स्त्रियां प्रकट हुई थी, जिनमें से एक था निद्रा देवी, जिनका जिक्र रामायण में भी मिलती है, और दूसरी सबसे आखिरी स्त्री देवी अलक्ष्मी थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार अलक्ष्मी को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी से नफरत करती थी,
क्योंकि अलक्ष्मी देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी जब भी भगवान विष्णु के साथ होती थी तब अलक्ष्मी भी वहाँ पहुँच जाती थी, और इस स्वभाव के कारण देवी लक्ष्मी ने अलक्ष्मी से कहा, तुम मुझे और मेरे स्वामी को अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। अलक्ष्मी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वे जहाँ कहीं भी जाती है कोई उनकी पूजा नहीं करता है और इसीलिए वे हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। जिससे क्रोधित होकर देवी लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति होंगे और जहाँ लालच, काम वासना और क्रोध होंगे वही तुम्हारा निवास होगा। वैसे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि समुद्र मंथन के इस कथा के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।